लोकल ट्रेन के बाद अब मुंबई की बेस्ट बसों में भी लगेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, बिना दो डोज लगाए लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। नायर अस्पताल से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, बीडीडी चौल सिलेंडर ब्लास्ट में बुरी तरह जले लोगों का घंटों इंतजार के बाद हुआ इलाज। मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ट्राइडेंट होटल में आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने की मुलाकात, कल ममता बनर्जी शरद पवार से सिल्वर ओक पर मिलेंगी। मुंबई में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई शुरू, मुंबई पुलिस और बीएमसी हुई सख्त, जगह जगह क्लीनअप मार्शल तैनात। मुंबई में 15 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, बीएमसी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लिया फैसला। पुणे में फिर लगाई गई पाबंदियां, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर्स और नाट्य गृह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं पीएम मोदी से बात, सूत्रों के हवाले से खबर। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए हजारों यात्रियों में से 446 लोगों का लगाया गया पता, 100 लोगों का लिया गया सैंपल, बीएमसी अधिकारी ने दी जानकारी। ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक, दुनिया भर में फैलेगा, WHO ने चेताया। अब मुंबई में वैक्सीन नहीं लगाने वालों को जल्द लगेगा जुर्माना, मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। देवाशीष चक्रवर्ती ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का स्वीकारा पदभार, चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए सीताराम कुंटे। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क है मुंबई, अचानक एयरपोर्ट पहुंच मेयर किशोरी पेडनेकर ने लिया जायजा। पुणे में स्कूल शुरू करने के फैसले में हो रही है देरी, 15 दिसंबर के बाद लिया जाएगा फैसला। मलाड के रानी सती मार्ग में स्काई वॉक को लेकर हुआ जोरदार बवाल, भाजपा विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मुंबई नाशिक वासियों के लिए खुशखबरी, अब जल्द ही मुंबई से नाशिक तक दौड़ेगी लोकल ट्रेन। मॉडर्ना के सीईओ ने चेताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कम असरदार है कोरोना की वैक्सीन। मुंबई में आज कोरोना के 187 मामले आए सामने, दो मरीजों ने गंवाई जान। सचिन वाजे अनिल देशमुख और परमबीर सिंह की जांच के दौरान 30 मिनट तक हुई बातचीत, दिलीप वलसे पाटिल ने दिए जांच के आदेश। महापरिनिर्वाण दिवस के लिए सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा चैत्य भूमि पर ना करे भीड़, घर पर बैठकर बाबा साहेब का करे अभिवादन। कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बची जान। राज्य में 32 एसटी बसें आज से हुई शुरू, राज्य भर में सुबह से 506 एसटी बसें चली। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 48,120 रुपए तोला, वही चांदी 61,900 रुपए किलो हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ भोपाल कोर्ट ने जारी किया वारंट, 32,25,000 के चेक बाउंस मामले में किया गया तलब, 4 दिसंबर को होगी पेशी। 19 देशों तक फैला कोरोना का घातक वायरस, यूरोप सहित कई देशों में ओमिक्रॉन ने मचाई तबाही। मुंबई महापौर के कार्यालय से टेंडर की फाइल हुई गायब, भाजपा एसीबी से करेगी शिकायत।